हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक चीज़ी नाचोस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये कैफ़े स्टाइल नाचोस है। मैं आपको इसकी फुल रेसिपी, रिटन रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। आपको तीन सॉसेस बनाने हैं। पहले हम सालसा सॉस बना लेंगे। सालसा सॉस के लिए आपको 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज और कश्मीरी मिर्ची को रोस्ट कर लेना है और उसके बाद उसका पेस्ट बना लेना है। फिर आपको एक मीडियम साइज़ का टमाटो, कैप्सिकम, ऑनियन ये सबको एकदम फाइनली चॉप कर लेना है और उसके अंदर आपको गार्लिक डालना है, वो भी चॉप करके डालना है आपको। उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर जो टमाटो रोस्ट किए थे और चिलीज जो रोस्ट की थी हमने, उसका जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। अब इसमें फाइनली चॉप कोरिएंडर डालना है और उसी के अंदर हमको गार्लिक पाउडर डाल देना है। मैंने 1 टीस्पून जितना गार्लिक पाउडर यूज़ किया है और सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है आपको। मैंने 1 टीस्पून जितना लेमन जूस ऐड किया है। उसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लो। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 आवर के लिए इसको फ्रीज़र करना है और आपका सालसा सॉस फिर रेडी है। अब हम सेकेंड डिप बना लेंगे। एवोकाडो का डिप बनाना है। उसके लिए आपको एक मीडियम साइज़ का एवोकाडो लेना है, उसको मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है और उसके अंदर 1 टीस्पून जितना क्रश गार्लिक डालना है। फिर लेमन जूस डालना है 1 टीस्पून। ऑनियन फाइनली चॉप डालनी है, एक मीडियम साइज़ की ऑनियन लेनी है आपको और उसी के अंदर रोस्ट करके जीरा का पाउडर कर देना है और वो 1 टीस्पून जितना डालना है आपको और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एंड में आपको चॉप कोरिएंडर डालना है। कोरिएंडर डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो और 1 आवर के लिए इसको फ्रीज़र कर देना है और आपका एवोकाडो वाला डिप भी रेडी है। अगर आपको ये डिप नहीं बनाना है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। अब हम बनाएंगे चीज़ सॉस। ये बहुत ही सिंपल चीज़ सॉस की रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून जितना बटर लिया है, उसी के अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। उसको अच्छे से बटर के अंदर रोस्ट करना है और उसके अंदर 1 कप जितना मिल्क लेना है, 1 या 1.5 कप तक आप ले सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर मैंने चेडार चीज़ यूज़ किया है। आप नॉर्मल मोज़ेरेला भी यूज़ कर सकते हो या तो प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेडार चीज़ यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा येलोइश टेक्सचर चाहिए था मेरे सॉस का और चेडार चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है और एकदम बेसिक सा ये चीज़ सॉस की रेसिपी है तो मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही डाला था इसमें। और सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि चीज़ में भी थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। चीज़ डालने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी सॉस की थोड़ी थिक होने लगेगी। बहुत थिक नहीं करना है ये सॉस को, मैं आपको दिखा रही हूँ इतना ही थिक रहना चाहिए। और फिर आप आपका फ्लेम ऑफ कर दीजिए, आपका सॉस रेडी है। अब हम असेंबलिंग कर देंगे। मैंने फर्स्ट स्टेप में नाचोस को नीचे प्लेट पे असेंबल कर दिया था। आप कोई भी फ्लेवर के नाचोस यूज़ कर सकते हो और कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। आप डोरिटोस यूज़ कर सकते हो, कॉर्निटोस यूज़ कर सकते हो। नाचोस को असेंबल करने के बाद अब हम इसमें सालसा सॉस डाल देंगे। आप सालसा सॉस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर कम पसंद है तो कम डालिए। राजमा को मैंने यहाँ पे ओवरनाइट सोक कर लिया था और फिर नेक्स्ट डे उसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। अगर आपको राजमा नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। राजमा डालने के बाद यहाँ पे जो हमने चीज़ सॉस बनाया था वो पोर कर देना है पूरा। आप चीज़ सॉस ज़्यादा डालिए, उससे बहुत अच्छा लगता है।
चीज सॉस डालने के बाद यहाँ पे मैंने एवोकाडो का डिप जो बनाई थी वो यूज किया है, वो मैंने डाल दिया था उसके ऊपर एक स्कूप, और उसके बाद उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, फ्लैट कर देना है उसके ऊपर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम चीज यूज की, आप रेडीमेड आपको क्रीम चीज मिल जाएगा, उसका एक स्कूप डालना है। क्रीम चीज से ये नाचोस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये फाइनल स्टेप था। इसके बाद हमको थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने चॉप किया था, वो थोड़ा सा गार्निश कर दिया है ऊपर, और ये आपके कैफे स्टाइल चीज़ी नाचोस रेडी है। आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसे लगे, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।